हेलो गाइस। और आज बहुत बड़ी अच्छी खबर आई है डिप्लोमा और आईटीआई वालों के लिए। उनके लिए एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, जो बहुत अच्छी वैकेंसी है और बहुत ही पे ग्रेड है। और पीएसयू की वैकेंसी आई है, तो कहाँ पे आई है? नेशनल नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में आई है। यहाँ पे देखो, मैं दिखाता हूँ कहाँ पे आपको देखनी है जाकर। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट एनसीएल सर्च करना, एनसीएल यहाँ पे सर्च करोगे रिक्रूटमेंट, तो यहाँ जैसे ही तो जो फर्स्ट पे खुलेगा उसको आपको ओपन करना है। अब देखो, मैं उसके बारे में पूरा आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, जो फर्स्ट आ रखी है ना, देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू वेरियस सुपरवाइजर और टेक्नीशियन पोस्ट। ये मेनली आईटीआई डिप्लोमा वाले के लिए, इसमें डिग्री नहीं जा सकते, तो ये डिप्लोमा वाले के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि इनके लिए वैकेंसी अलग से आई है। और ये यहाँ पर जरूर से ज़रूर अप्लाई करें जो भी कर रखे हैं डिप्लोमा और आईटीआई। देखो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हो। तो देखो यहाँ पे कितनी वैकेंसी क्या आई है, यहाँ पर पढ़ो एक बार। अब देखो, ये जो सुपरवाइजर वाली है, तो ये डिप्लोमा बेसिस पे है, जो सुपरवाइजरी पोजीशन है ये डिप्लोमा बेसिस पे है, ठीक है। मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जाम पास फ्रॉम दी एनी रिक्वायर्ड बोर्ड एग्जामिनेशन। और दूसरा क्या चाहिए, डिप्लोमा और रिलेवेंट हायर क्वालिफिकेशन और 3 ईयर कोर्स इन द इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फॉर रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के थ्रू रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ओके। एंड देन यहाँ पे फिर यहाँ पे असिस्टेंट फायरमैन के लिए है, यहाँ पे भी डिप्लोमा वाले के लिए चाहिए। तो यहाँ पर और देखो, और बाकी जो नीचे का जो टेक्नीशियन का पोस्ट है उसमें क्या चाहिए, उसमें आपको आईटीआई का चाहिए, जैसे 10th और 10th के बाद आपके पास आईटीआई होना चाहिए। फिर देखो, फिर इसमें जो मेन चीज़ है यहाँ पे, तो क्लोजिंग डेट जो दे रखा है यहाँ पे 25/8 दे रखा है, तो मैं अभी बताऊंगा कि कब से मतलब स्टार्ट होने वाला, वो भी मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे पोस्ट भी देख सकते हो कि असिस्टेंट ENT ट्रेनिंग के लिए कितना पोस्ट है, और ये असिस्टेंट फायरमैन के लिए कितना पोस्ट है, और यहाँ पे टेक्नीशियन के लिए कितना, जो आईटीआई वाले के लिए उनके लिए कितना पोस्ट है, सब चीज़ देख सकते हो यहाँ पे। सभी अच्छी तरीके से सारा सारा एक्सप्लेन कर रखा है, तो मैं यहाँ पे आपको लगा दूंगा, मतलब ये चीज़ लगा दूंगा मैं आपको नीचे में, पिंग पिन कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। असिस्टेंट फोरमैन देखो ट्रेनिंग ENT के लिए डिप्लोमा, और उसमें कौन कौन से एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, ये आप पूरा यहाँ पे पढ़ के देख सकते हो यहाँ पे चीज़ें। अब देखो आगे आते हैं, अब यहाँ पे पूरा सब एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे चीज़ें सबसे अच्छे तरीके से। 13 पेज का पूरा नोटिफिकेशन आया, तो जो मैं मेन मेन पॉइंट है जो मैं इसमें इसमें आपको बता दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे जो अनरिजर्व के लिए जो फी है वो कितना, 500 है, ठीक है। और SC ST और PWD के लिए क्या, नील है, ठीक है। जैसे कोई दिक्कत नहीं हो तो भर देना हो तो फॉर्म फी हर जगह हर एग्जाम में लगता ही लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और देखो यहाँ पे एग्जामिनेशन मोड भी यहाँ बता रखा है, कितना आपको मिनिमम 50 मार्क्स लाने ही है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए। अगर SC ST OBC हो तो उनके 40 मार्क्स लाने, या जनरल हो तो कितना, 50 मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं। तो ये यहाँ पे दे रखा है कुछ कट ऑफ, लेकिन ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि आपको 50 मार्क्स लाने हैं, इस 100 का हो रहा है तो इस आप जितना वो डिपेंड करता है कितना कट ऑफ जा रहा है। तो ये 50% तो मिनिमम क्राइटेरिया है कि जब मिनिमम सब अचीव करेंगे तो 50% मिनिमम लाने ही लाने, अगर जितना ज़्यादा जाएगा तो उसके उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ ज़्यादा ही जाती है। तो 50 मार्क ये मत चलना कि मेरे 50 नंबर लाने, कट ऑफ कितना जाता है उस पर डिपेंड करता है ये सब चीज़ें, ठीक है। और देखो यहाँ पे, हाँ और देखो यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो आ गया, तो स्टार्ट कब से होना, स्टार्ट अभी नहीं होगा, स्टार्ट अभी 3/8 से होगा, अभी नोटिफिकेशन आया जिसे अगस्त 3 अगस्त से ये स्टार्ट हो जाएगा, और बंद कब होगा, 25/8/2020 को ये बंद हो जाएगा, और फिर कब आगे का सब चीज़ यहाँ पे वेबसाइट पे आपको बताया जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, जो भी डिप्लोमा और आईटीआई कर रखे हैं, जो मेनली डिप्लोमा जो इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखे हैं और आईटीआई डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के लिए, तो जरूर से जरूर अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए अलग से आई है तो कट ऑफ कम जाएगी, और आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। और आप PSU में जॉब करोगे, मेन बात हुई थी कि PSU में जॉब करोगे तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, तो प्लीज़ इसको जल्द से जल्द अप्लाई करें, जैसे स्टार्ट होता है तो अप्लाई करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि इसमें भी ज़्यादा दिन का वहाँ तो आपको 20 दिन का टाइम दिया गया है, तो 20 दिन का टाइम दिया गया तो लास्ट में बहुत ज़्यादा रस होने के चक्कर में कभी कभी साइट क्रैश भी करती है, साइट वर्क नहीं करती सही से, तो प्लीज़ इस फॉर्म को जल्दी जल्दी फिल कर दें, मेनली फॉर डिप्लोमा एंड डिप्लोमा और NTI ITI। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ओके, थैंक यू भाई।